नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के आखिरकार नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रकाश जोशी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता में उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में उनका जोरदार स्वागत किया, जहां प्रकाश जोशी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट को विजय रथ पर रोकेंगे। प्रकाश जोशी ने कहा कि नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट से कई प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मन बनाए हुए थे, लेकिन पार्टी ने सोच समझकर प्रत्याशियों पर अपना फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशित घोषित होने में कोई देरी नहीं हुई है, ऐसे में अब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी को जुटाएंगे। इसी के साथ ही प्रकाश जोशी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में अजय भट्ट से उनकी कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल मोदी के नाम पर वोट ले रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आत्मबल है और कांग्रेस कार्यकर्ता के बदौलत वो लोकसभा सीट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय सांसद पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 5 साल तक स्थानीय जनता अपने सांसद को देख चुकी है, जहां सांसद अपनी सांसद नीति तक खर्च नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और डबल इंजन सरकार में भाजपा के पास किसी भी तरह का कोई काम करने का विजन नहीं है। मेरे लिए गर्व की बात है, नैनीताल उधमसिंह नगर संसदीय क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व आदरणीय नारायण तिवारी जी ने, केसी पंत जी ने, सत्यंजन गुड़िया जी ने, केसी बाबा जी ने, इतने बड़े बड़े दिग्गजों ने किया। मुझे पार्टी ने ऐसी सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए एक मौका दिया है लड़ने के लिए, और पूरा उत्साह है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। और पूरे सालों से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पर जनहित के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लड़ता रहा है, उसकी वो जो लड़ाई है, वो लड़ाई इस चुनाव का परिणाम में परिवर्तित होगी। और हमें पूरा विश्वास है कि इस समय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके 5 सांसद उनके अपने थे, अच्छा काम किया होता तो 2 की तो उन्होंने टिकट काटी है भारतीय जनता पार्टी ने। 300 दिया। सर, आपके सामने भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं और उनके भाजपा से कार्यकर्ता के साथ साथ बड़ा दल भी है, तो क्या मानते हैं सामने? देखिए, मैं यही तो सबसे बड़ी हमारे लिए एक मौका है जनता के सामने। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्र मंत्री हैं, 5 सांसद रहे इसलिए केंद्र मंत्री हैं, राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, वहाँ से कुछ काम करवाने की बजाय आप देखिए कि उनको जो मिली हुई सांसद निधि थी उसका भी 40% से ऊपर नहीं खर्च कर पाए, तो वो कैसे बाकी जो विकास के काम उनको कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई विज़न नहीं था। आपके पास पैसा हो और आप उसे खर्च ना कर पाओ, जेब में पैसे हो, इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ खर्च करना है। आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है, यही हमारा सबसे बड़ा हथियार रहेगा। सर, आपके नारे को किस तरह देखते हैं आप? जुमला अमित शाह जी ने कहा था, आपने देखा होगा सर, आपको नहीं लगता अपने इंटरव्यू में, आपको नहीं लगता कि थोड़ी देर हो गई कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल देर नहीं हो गई, कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। लेकिन सर, आपके कार्यकर्ता और आपके ब्लॉक तक तो छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं, सारा परिवार एकजुट है और आपको दिखेगा कि पूरे दमखम से पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। आपके सवाल है, आखिर ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेके जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये पार्लियामेंट का चुनाव है, तो एक भौगोलिक अगर स्थिति देखेंगे तो ये संसदीय क्षेत्र है जिसमें 2 आते हैं, इन दोनों जिलों की अगर हम स्थिति देखते हैं तो वो समस्याएं या जनहित के जो मुद्दे हैं वो इस 2 से संबंधित मुख्यता होने चाहिए, प्रदेश के भी हों पर ये 2 तो मुख्य हैं। रोजगार, कांग्रेस के समय में जब माननीय नारायण तिवारी जी मुख्यमंत्री बने तो सिडकुल की स्थापना हुई और यहाँ उद्योग लगे, हजारों लोगों को रोजगार मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 5 तो क्या किया सबको पता है, आदरणीय रावत जी मुख्यमंत्री बने, स्थानीय उत्पादों को उन्होंने प्रोत्साहन देकर रोजगार बढ़ाया, बाहर के लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिला। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, क्या किया, नकली सबमिट करा देते हैं, कहीं धरातल पर कुछ उतरता नहीं है। तो रोजगार सबसे बड़ा है, शिक्षा एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, लाखों विद्यार्थी हैं लेकिन पढ़ने के लिए कॉलेजों में जगह नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कमरे नहीं है, सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल की स्थिति, स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो बिल्कुल चरमरा गई है। यही बगल में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल देख लीजिए, पेशेंट जाते हैं किसी को पता नहीं वो जीवित लौटेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।